23वां पारा है, सूरह साद, आयत नंबर 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि माकबल अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुफार मुश्रिकी ने मक्का के हवाले से बयान फरमाया कि ये लोग अल्लाह की वहदानियत का मुनकिर है, और अगर पैगंबर इनके सामने मसले तौहीद बयान करता है कि माबूदी बरहक एक अल्लाह है, तो ये लोग उस पर ताज्जुब का इजहार करते हैं और कहते हैं कि ये एक नाआशना बात है, अजीब बात है, हमने तो पहले कभी किसी से इस तरह नहीं सुना है कि माबूद एक ही है, हालांकि हमारे इतने सारे माबूद है, क्या ये इतने माबूद किसी काम के नहीं है और सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है। इस पर ताज्जुब का इजहार करते थे और इससे इंकार करते थे। अल्लाह जल्ल शानों ने इसके बारे में बयान फरमाया और आज की आयती मुबारका में इन लोगों का आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ताज्जुब और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत से इनकार को बयान फरमा रहे हैं, और इस इनकार पर अल्लाह जल्ल शानहू अपनी तरफ से वईद बयान फरमा रहे हैं। इन लोगों का ख्याल यह था कि ये रिसालत और ये जो नबूवत है, ये वाकई अगर अल्लाह की तरफ से है, तो फिर पहली बात तो ये कि हमारे माबेन चाहिए तो यह था कि एक फ़रिश्ता का नुज़ूल होता और वो फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर हमारे पास आता और हमें समझाता रहता। और खामखा अगर हम ही में से इंसानों में से अल्लाह ने किसी पैगंबर का इंतखाब करना था तो चाहिए तो यह था कि वो एक आला दर्जे का मालदार इंसान होता, जो साहिबी हैसियत इंसान होता, जिसके पास अफरादी कुव्वत ज़्यादा होती, उसको ये चाहिए थे। इसकी ये लोग कहते हैं अनज़िला अलैहिल ज़िक्र मिन बैना, ओहो हमारे माबेन इस पर नसीहत उतार दी गई, इसको कुरान से नवाजा गया और इसके कौल के मुताबिक ये अल्लाह का कलाम है और ये इस पर उतारा गया है, ये नसीहत इस पर उतार दी गई हमारी मौजूदगी में, हमारे दरमियान यानी हम में से इतने बड़े बड़े लोग मौजूद है, माल वाले, अफराद वाले, कुव्वत और ताकत वाले, ये गरीब और फकीर इंसान के पास माल कोई नहीं, अफरादी कुव्वत कोई नहीं है, तो खामखा इसका इंतखाब करके इस पर ये नसीहत उतार दी गई, ये तमस्कुर के तौर पर कहते अच्छा इस पर नसीहत उतार दी गई, कुरान उतारा गया है हमारे दरमियान, हमारे होते हुए, हमारे जैसे माल वाले, हमारे जैसे कुव्वत और ताकत वाले होते हुए इस पर ये नसीहत उतार दी गई। अल्लाह जल्ल शानों फरमाते हैं कि इन लोगों की ये जो बातें हैं हकीकत ये नहीं है, बल हम फी शक के मिन ज़िक्री, हकीकत ये है कि ये इस पैगंबर पर कुरान के नाजिल होने में ये शक में मुबतला है, ये शक की बुनियाद पर ये सारी बातें करते रहते हैं। कभी कहते रहते हैं अबशर मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु, हम ही में से हमारे जिस में से एक इंसान है, हमारे जैसे खाने वाला, पीने वाला, चलने वाला, हमारे जैसी ज़रूरियात रखने वाला एक इंसान, और हम उसकी मांग कर चलने वाले बन जाए, ओहो ऐसा तो हो नहीं सकता, हम तो फिर पल्ले दर्जे के गुमराही में पड़ जाएंगे। खामखा अल्लाह ने अगर इस नसीहत नामे को उतारना था चाहिए तो यह था कि किसी फरिश्ते को देख कर हमारे पास भेज दिया था, लेकिन कुरान में अल्लाह पाक ने इन सारी बातों का जवाब दिया है कि अगर कोई फरिश्ता अल्लाह की तरफ से नसीहत नामा लेकर आता और इनको समझाता तो फिर फरिश्ते के बाबत ये कहते हैं ओ जी ये तो फरिश्ता है, इसको तो ना बच्चों की ज़रूरत है, ना इसको बीवी की ज़रूरत है, ना इसको खानों की ज़रूरत है, ना इसको पीने की ज़रूरत है, इसको कपड़ों की, अब ये जो फरिश्ता है ये तो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल पाक है, अब इनके पास ज़रूरियात कोई नहीं है, हाजात कोई नहीं, अब हम तो इंसान हैं, हमारे साथ बच्चे भी हैं, हमारी बीवियां हैं और हम खाने पीने के मोहताज, अब हम और ये इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, लिहाजा ये अगर दीन पर चले, अहकाम पर चले, नसीहत पर चले, इसके लिए आसान, हमारे लिए बहुत मुश्किल, हम इस तरह नहीं कर सकते। फिर ये कहते हैं तो जब अल्लाह ने इंसानों ही में से
अम्बिया का इंतखाब करके रसूलों को भेजा, तो अब यह कहते कि हमारे ऊपर कोई फरिश्ते का नुज़ूल हो जाए अच्छा होता। और फिर अल्लाह फरमाया फरिश्ता हम भेज देंगे, लेकिन याद रखना फरिश्ते के भेजने के बावजूद भी फिर भी अगर ईमान नहीं लाओगे तो फिर हमारा फैसला यकीनी तौर पर वादे हो जाएगा, हम अज़ाब ही मुसल्लत कर देंगे तुम लोगों पर। फरिश्ते आएंगे कि लेकिन वो मुकर्रर वक़्त पर आएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं ये इस पैगंबर के ऊपर जो रिसालत और पैगंबर को जो हमने नबूत अता की है, ये इसका जो इनकार कर हकीकत है कि ये असल में शक में पड़े हुए हैं, पता नहीं ये अल्लाह का कलाम है या नहीं। ये अल्लाह के कलाम होने के बारे में ये कहते कि ये अपनी तरफ से कुछ बातें बना के हमें बताता रहता है कि ये अल्लाह ने मुझ पर इस कलाम को उतारा हुआ और ये अल्लाह का कुरान, हालांकि ये बात हकीकत में ऐसी नहीं है। तो हकीकत में अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए नसीहतनामे में शक में पड़े हुए, बल लम्मा यज़ूको अज़ाब। अल्लाह फरमाते हैं इनके ये सारे करतूते और इनके ये नखरे और ये बकवासात, ये पैगंबर के हक में बातें करना और कुरान के बारे में बातें करना, कभी जादूगर कहना, कभी जादू कहना, कभी इसको शेर और शायरी समझकर पैगंबर को शायर कहना, कभी पैगंबर को मजनून कहना, हकीकत में सारी बातें इसलिए कर रहे हैं इन्होंने हमारे आज़ाब को चखा नहीं है। बल लम्मा यज़ूको अज़ाब, इन्होंने मेरे आज़ाब को चखा नहीं है। अब जब ये मेरे कभी आज़ाब को चख लेंगे फिर उनको मालूम हो जाएगा वाकई अल्लाह का पैगंबर है और वाकई इस पैगंबर पर अल्लाह की तरफ से कुरान को उतारा जा रहा है। अम इंदहुम खज़ाइनु रहमति रब्बी, अल्लाह फरमाते हैं इनकी बातों से यह मालूम होता है कि क्या इनके पास रब की रहमत के खजाने हैं, इनके रब की रहमत के खजाने इन्हों के हाथे में हैं कि ये जिसको चाहे नवाजे, जिसको चाहे महरूम कर दे, ये तकसीम करने वाले हैं, आया तकसीम इनके हाथों में है। ये तो अल्लाह के हाथ में अल्लाह की रहमत है, जिसको चाहे पैगंबर बना दे, जिसको चाहे पैगंबर से महरूम कर ले। अल्लाह ने अपनी रहमत से इस पाक पैगंबर को भेजा, अब ये इसमें क्या बातें करते रहते हैं कि जी ये तो हमारा हक बनता है, हम ही ज़्यादा हकदार हैं इस नबूवत और रिसालत के। अल्लाह फरमाते अल अज़ीज़ अल वहाब, ये अपने उस रब की रहमत के खजाने का इख्तियार रखने, अम इंदहुम खज़ाइनु रहमति रब्बी, या तुम अपने रब की रहमत के खजाने तुम्हारे पास हैं। वो रब अल अज़ीज़ अल वहाब, जो कि खूब गालिब ज़बरदस्त है, अल वहाब वो बख्शिश वाला है, वो अता करने वाला है, वो हिबा करने वाला है, ये तो उसके हाथ तकसीम है। और हम अल्लाह फरमाते हैं हम लोगों के माबेन रोज़ी तकसीम करते रहते हैं, किसी को किस हैसियत से नवाजते हो, किसी को किस हैसियत से नवाजते, लिहाजा इसको पैगंबरी देना ये अल्लाह ही की तरफ से, ये बरहक पैगंबर है। अम लहुम मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, और या ये लोग ज़मीनों और आसमानों का इख्तियार रखते हैं, ज़मीनों और आसमानों की हुकूमत ये रखते हैं और उनके दरमियान की चीज़ों की सारा इख्तियार ये रखते हैं, तो अगर इनके पास कुछ इख्तियार है और अपने आप को इख्तियार वाला समझते हैं, हुकूमत वाला समझते हैं, फल यरतकू फिल असबाब, किस इनको चाहिए कि ये चढ़े आसमानों में और रस्सियां थान कर और जाके आसमानों में इस वही को रोक ले इस पैगंबर पर, वही को आने ही ना दे। अगर इनका कुछ इख्तियार चलता है तो ये करके दिखा दे। हम इस पैगंबर पर अपनी तरफ से कलाम को कुरान को नाजिल करते रहते हैं और अगर ये लोग इसके बारे में शक में पड़े हुए तो ये चढ़े आसमानों में और ये हमारे इस वही को रोक दे, करके दिखाए तो सही। अल्लाह फरमाते ऐसी कोई बात नहीं, जुन तुम मा होना लेगा, बस ये एक लश्कर ही है यहाँ पे, महजूम मिनल अहज़ाब, जो कि महजूम शिकस्त खोर्दा जमात है, ये शिकस्त खोर्दा पार्टी है और ये पार्टियों में से एक पार्टी है। इस तरह के बहुत से ग्रोह और जमातें और पार्टियां दुनिया के अंदर आई, जिन्होंने दुनिया के अंदर अपनी करतूतें दिखा दी, जिन्होंने वक्त के पैगंबरों को जुटलाया, उनका इनकार किया, और उन्हीं जमातों में से अल्लाह फरमाते हैं कज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह, इनसे पहले क़ौम नूह दुनिया के अंदर आई, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को जुटलाया, नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, वो भी नूह अलैहिस्सलाम उनको समझाते रहते थे। अभी मैंने नमाज के अंदर आयत मुबारक का पढ़ी और नूह अलैहिस्सलाम जब उनको दावत देते थे, ओ भाई एक ही अल्लाह माबूद ही, बरहक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अपने कानों के अंदर अपनी उंगलियां डाल देते ताकि हम इसकी बात ही ना सुने। हम किसी से बात करें,
और वो हमारी बात सुनते वक्त अपने कानों के उंगे हम क्या महसूस कर लें। और नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम के मामेन जिंदगी गुजार चुके और बराबर पुकारते रहे अल्लाह को, अल्लाह के सामने अपने हालात बयान करते हैं। قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا, दिन को मौका रात का मौका कोई जाया नहीं किया, हर आन हर बड़ी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और अल्लाह से शिकायत कर, अल्लाह मैं जब भी इनको आपकी बात आपकी दावत आपकी वहदानियत समझाना चाहता हूँ, कुल्लमा दावत हूँ, जब भी मैं इनको दावत दे रहा हूँ समझा रहा हूँ। अच्छा अल्लाह के सामने अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह मैंने इनको जब भी दावत दी फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, तो मेरी दावत की वजह से ये लोग भागते रहते हैं और इनका भागना मजीद बढ़ता चला जा रहा है, ये भागते रहते हैं। ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا, मैंने चुपके चुपके बातें समझा दी, मैंने खुल के बात समझा दी, खुलेआम बातें समझा दी, लेकिन फिर भी ये बहुत नहीं माने। और अंजाम कारण वाले सलाम ने फरमाया ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, अल्लाह अब इस जमीन पर किसी काफिर का घर ना छोड़े, सबको तबाह व बर्बाद कर डाले। इन्नक इन तज़र हूँ युज़िल्लु इबादक वला यजिदु इल्ला फाजिरन कफारा, अल्लाह अगर आप इनमें से किसी को छोड़ेंगे तो ये जनेंगे काफिरों को, इनसे काफिर औलाद ही पैदा होगी और लोगों को गुमराह करने वाले होंगे, इसलिए अल्लाह इनको ख़त्म कर दे। अल्लाह ने ऐसा पानी भेजा, ज़मीन ने अपना पानी निकाला, आसमान ने अपना पानी न उतारा और पहाड़ों तक पानी पहुँच के सारे लोग उसमें गर्क हो चुके। वह आद व फिरऔन ज़ुल अवतार, उन्हीं ग्रोह में से एक कौम आद है, अल्लाह ने इतनी कुव्वत और ताकत वाले बनाए थे कि बड़े बड़े कद खजूर के दरख्त के मानिंद, और इतनी कुव्वत और ताकत कि खजूर के मजबूत दरख्त को हाथ से पकड़ के उखाड़ कर फेंकते रहते थे। अल्लाह ने फरमाया जब उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जुटलाया और उनका मजाक उड़ाया, अल्लाह फरमाते हैं हमने उन पर एक हवा भेज दी और वो हवा उन पर चलती रही 7 रातें 8 दिन वो हवा, और अल्लाह ने प्लास्टिक और कागज़ की तरह हवा में ऊपर घुमा के नीचे ज़मीन पे मारा और उनके कलेजे पट गए, अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद किया। वह फिरऔन ज़ुल अवतार, और फिरऔन जो मेखों वाला, ये मेखों वाला इसका या तो अपना हकीकी तर्जमा है कि वो बड़े बड़े मेख रखता था, यानी जब किसी को सजा देना चाहता था इतना जालिम था कि दोनों हाथ और दोनों पाँव पे मेखे ठोक देता, उसके बाद उस बंदे को हलाक कर देता। और यह ये था कि उसके पास बड़े बड़े मेख, उसके खेमों के जो मेख होते थे तो वो सोने के हुआ करते थे। और या ये मजाजी तौर पर कहा जाता है कि जिसको अल्लाह मजबूत हुकूमत और ताकत, जिसकी हुकूमत अपने पंजे गाड़ चुके, इन अल्लाह ने उसको मजबूत हुकूमत वाला बनाया था, लेकिन उसने भी जब अना रब्बुकुमुल आला का दावा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल आके हारून अलैहिस्सलाम के मुकाबिल आया और उनको जुटलाने की कोशिश की और उनको जादूगर कह दिया और वो बाज नहीं आया अपनी बातों से, अल्लाह फरमाते हैं हमने उस बंदे को भी लश्कर समेत पानी के अंदर डबो दिया और गर्क कर दिया और तबाह व बर्बाद कर दिया। ऐसे ही अल्लाह फरमाया समूद, कौम समूद ये भी बड़ी कुव्वत और ताकत के मालिक, पहाड़ों के अंदर चट्टानों के अंदर अपने महल्लात बनाते रहते थे, बड़े बड़े घर बना चुके हैं ताकि हम अंदर के अंदर महफूज रह सकें, लेकिन अल्लाह जल्ल शानों ने ज़ाहिर के अतबार से फल फ्रूट और सब्जियों और पानी और मेवाजात और बागात से नवाजा, लेकिन जब इन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और उनको जुटलाया और सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे वाकई तो अल्लाह का पैगंबर है तो हमारे लिए इस चट्टान से ऊँटनी निकाल के दिखा दो, तब हम मान लेंगे कि वाकई तो अल्लाह का पैगंबर है। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की और फिर अल्लाह पाक ने अपने अमल से चट्टान से एक ऊँटनी को पैदा फरमाया और ये बिल्कुल खारिक लिल आदत, इंसानों की अक़ल से मावरा, एक चट्टान से अल्लाह ने ऊँटनी को निकाला। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ बअथ अशक़ाहा फ़क़ाला लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाहि वसुक़याहा, अल्लाह ने बयान फरमाया
एक दिन तुम्हारी उंटनियाँ और तुम्हारे जानवर पानी पिएंगे इस कुएं में से, और एक दिन ये अल्लाह के कुदरत की निशानी जो उंटनी है ये पानी पिएगी। तुमने बुरे इरादे से इसको हाथ नहीं लगाना है। लोग ने कहा ये क्या मुसीबत में हम पड़ गए हैं, 9 बड़े शरीर बदमाश किस्म के इंसान थे उस माशरे के। उन्होंने ग्रोह बना के एक मशवरा किया, एक बंदे को भेजा और उसने उसी उंटनी के पाँव को काट दिया। फ़ाक़रूहा फ़दमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। अल्लाह ने एक चीख, एक फरिश्ते की आवाज़, एक चीख ऐसी भेजी कि उस चीख को बर्दाश्त न कर सकते, कलेजे पट गए और मुर्दार पड़े रहे। अल्लाह ने उनको भी तबाह किया। वक़ौमु लूत, जिन्होंने माशरे के अंदर उस गंदी हरकत का इर्तिकाब किया कि अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया, इस कायनात के निज़ाम में किसने इतनी गंदी हरकत नहीं की जो तुम कर चुके। और फिर इससे बड़ी बुराई ये कि बुराई भी करते थे और खुलेआम लोगों के सामने बयान भी करते थे, हमने ये काम किया, और उस बुराई पर फख्र भी करते रहते थे। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर भी इन लोगों के बारे में सख्त वाइद बयान किया। हर एक को अल्लाह माफ़ करता है, गुनाह करने वाले को जब माफ़ी मांगता है, एक बंदा ऐसा अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता जो रात को गुनाह भी कर लेता है और सुबह लोगों को बयान भी करता है कि हमने रात को यूं किया हुआ है, और फख्र भी करते हैं। अल्लाह ने उन पर पत्र बरसा के उनको तबाह बर्बाद किया। वह अस्हाबुल ऐका, ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है। अस्हाबुल ऐका अस्हाब मदयन, बाद मुफस्सिरीन की राय ये एक ही कौम है, और बास की राय ये है कि ये दो किस्म के लोग थे, एक जंगल वाले अस्हाबुल ऐका थे और दूसरे शहरी लोग थे अस्हाब मदयन थे। इन्होंने नाप तौल में कमी करना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ने ऊपर से आसमान से अल्लाह ने इनके ऊपर बारिश को रोक के और प्यास को चला के और कासाली ला के अल्लाह ने अचानक बादल भेजा और सारे बादल के नीचे जमा हो चुके उस खुशी में कि ऊपर से पानी आएगा। अल्लाह ने ऊपर से आग बरसा दी और सबको तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह फरमाते उलाएकल अहज़ाब, यही सारी पार्टियां और ग्रोह है जिनको अल्लाह ने तबाह किया। और क्यों तबाह किया? इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बर रुसुल, ए हर पार्टी हर ग्रोह हर जमात वाले, अल्लाह फरमा इन्होंने अपने वक्त के रसूलों को जुटलाया। फहक़ा इक़ाब, बस इन पर सच्चा साबित हो गया हमारा अज़ाब, सच्ची साबित हो गई हमारी सज़ा। इन सब को हमने अज़ाब में मुबतला कर दे, नेस्व नाबूद कर दिया, नामो निशान ही मिटा डाला। ए मेरे पैगंबर, ये भी तुम्हारे सामने एक जमात कुफार मुशरिकीन मक्का, तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले, तुम्हारे साथ मसरे करने वाले और तुम्हारी रिसालत से इनकार करने वाले, तुम्हें जुटलाने वाले, कभी तुम्हें साहिर और जादूगर कहने वाले, तुम्हें कभी काहिन कहने वाले, कभी तुम्हें मजनून कहने वाले, कोई मसला नहीं, ये भी उनकी तरह एक जमात है। और जैसा उनका अंजाम तबाही और बर्बादी, ये भी तबाह और बर्बाद होकर रहेंगे। अल्लाह ने वईद बयान फरमा दी कि बास आ जाओ मेरे पैगंबर को जुटलाने से। أأنزل عليه الذكر من بيننا, क्या इस पर उतार दी गई नसीहत हमारे दरमियान में से। बल हम फी शक मिन ज़िक्री, बल्कि ये लोग शक में पड़े हैं मेरी नसीहत के बारे में। बल लम्मा यज़ूकु अज़ाब, बल्कि हकीकत यह है कि इन्होंने कभी चखा नहीं मेरे अज़ाब को। जब अज़ाब चख जाएंगे तो समझ जाएंगे। أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ, या इनके पास आपके रब की रहमत के खजाने हैं, वो रब जो के अल-अज़ीज़ ग़ालिब ज़बरदस्त है, अल-वहाब जो के बख्शिश करने वाला अता करने वाला हिबा करने वाला है। أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, या इनके पास हुकूमत और इख्तियार है आसमानों और ज़मीनों और जो कुछ इनके दरमियान है उन सारी चीज़ों का। फलयरतकू फिल असबाब, बस ये रस्सियाँ तांग कर छड़े आसमानों में, यानी इस वही को रोक दे अगर इनके पास इख्तियार हो। जुंदुम्मा, बस ये एक लश्कर ही है हुनालिका यहाँ पे, महजूमुन जो के शिकस्त खोर्दा है, मिनल अहज़ाब जमातों और ग्रोह में से। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह,
और जुटलाया इनसे पहले कौम नूह ने व आद और कौम आद ने व फिरऔन ज़ुल अवताद और फिरऔन में ख़वालों ने व समूद व कौम लूत और कौम समूद और कौम लूत ने व असहाबुल ऐका और जंगल वालों ने उलाइकल अहज़ाब यही जमातें और ग्रोह है इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बर रुसुल इनमें से हर जमात और हर ग्रोह ने अपने वक़्त के पैगंबरों को जुटलाया फहक़्क़ा इक़ाब बस सच्चा साबित हो गया हमारा आज़ाब बस सच्ची साबित हो गई हमारी सदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।